हाँ, ये घुमा घुमा के लेके आ रहा है, चौक बना भी नहीं है, सिर्फ लाइन खींची हुई है। नीचे किसी ने बताया नहीं कि बंद है। और कुछ कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या क्या हुआ हमारे साथ कल। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। Let's start to travel. हेलो, वेलकम टू तिब्लिसी। आ जाओ, अंदर आ जाओ, एक बार इधर जाओ। सो दिस इज़ अ होटल इन तिब्लिसी। सो इन्होंने पूरा फुल लेंथ मिरर दिया है, जिसके आगे भी हमने लगेज रखा हुआ है। एंड इन्होंने पूरा लगेज एरिया दिया है, सामान बहुत सारा दिया है इन्होंने, बाथरूम एंड जो भी यूटिलिटी के लिए होता है सारा सामान दिया है। एंड वॉशरूम दिखा दो इनको, वॉशरूम बहुत क्यूट सा इन्होंने दिया है, ग्रीन कलर का मिरर है जो कि मेरा फेवरेट है। एंड ये वाला टेक्सचर्ड वॉल है यहाँ पे। एंड ये इन्होंने, ये पूरा बेड का एरिया है, ये पूरा जो इन्होंने बनाया है ना, ये तिब्लिसी है, पूरा तिब्लिसी का जो मेन पार्ट है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरा एरिया बनाया हुआ है, पुराने टाइम का है ये। एंड ये बेड है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है उन्होंने, सारा सामान दिया हुआ है। एंड ये होटल हम लोग ने क्यों किया था, लेट मी शो यू। स्पेशली मैंने इसलिए करवाया था, कम यहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है, कितना सुंदर लग रहा है। वो चर्च है यहाँ का फेमस चर्च, और वहाँ पे होटल भी है, शेरेटन होटल, और बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं कल भी आप लोग को दिखाऊंगी यहाँ का व्यू। सो अभी तो रात के 2 बजने वाले हैं और अभी सोते हैं। The next day. Good morning everyone, and हम दोनों उठ गए हैं, दिशांग जा रहे हैं अभी बेल्कनी में। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग उठ चुके हैं, अभी यहाँ पे बज रहे हैं 8 और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। कल रात को मैंने आपको सारा अपना रूम टूर दिखा दिया था, अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए और कुछ कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या क्या हुआ हमारे साथ कल। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, बट कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या खाने हो गया, भूख लगे बहुत तेज़, और वहीं पर मैं एक्सपीरियंस हम दोनों शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। सामने दिख रहा है वो फेमस चर्च है जो हमारी बैल्कनी से दिख रहा था, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वहाँ पे नागरा फोर्ट है। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी हम बाहर जाके दिखा देंगे। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कम आई एम हैविंग दिस चिकन सूप, बहुत टेस्टी है याला। ये जॉर्जियन कर्ड है, बहुत ही यम है, ये दूसरा खा रहे हम लोग। और यहाँ पे सॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं, मैं कभी वेजिटेबल्स नहीं खाती, बट बहुत ही ज़्यादा यम लगा मुझे, और मैंने ये तीसरी बार लिया है। मेरी मम्मी खुश हो जाएंगी सुनके कि मैं वेजिटेबल्स खा रही हूँ। और कॉफ़ी तो यहाँ की इतनी टेस्टी है, बहुत अच्छी, इसमें से जो मैं खाती हूँ ना, रोस्टेड कॉफ़ी की वैसी आ रही है। और यहाँ का जो पिकल होता है, सब टेस्टी है, मज़ा आ गया। ओके, सो लेट मी टेल यू कि हुआ क्या था हमारे साथ, कि हमारा मूड ऑफ हो गया था। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे, रात के 1 बज रहे थे, सिम हम लोग का वर्क नहीं कर रहा था, एंड हम लोग को वहीं से सिम लेना था एयरपोर्ट से। तो हम लोग सोचा क्यों ना हम लोग सिटी सेंटर से ले लेंगे, कल आराम से अपना उठ के, वाईफाई तो होटल में होता ही है। तो अभी चलते हैं, टैक्सी जो बाहर मिलते हैं उनसे करके चलते हैं। पहले हम लोग का था बस से जाएंगे, बट बस वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चल नहीं रही थी, तो टैक्सी वाले आ गया कि यू वांट टैक्सी टैक्सी टैक्सी, वहाँ पे जैसे इंडिया में आ जाते हैं वहाँ पे भी आ जाते हैं। तो हमने सोचा ठीक है, कंफर्म करते हैं इससे कि कहीं इसका मीटर वाला तो नहीं है, क्या है सिस्टम।
और फर्स्ट थिंग हम लोग स्कैम सारे पढ़ के आए थे, वी वर रेडी फॉर ऑल द स्कैम्स, तो ऑलरेडी प्रिपेयर थे हम लोग. तो हम लोग ने उससे बोला कि कितना आप लोगे, तो उसने बोला 20 लारी मैं लूँगा टू योर होटल. हमने उसके मैप में लगा के दे दिया, दिस इज़ आवर प्लेस, आप यहाँ से हमें वहाँ तक 20 लारी में लेके जाओगे. उसने बोला कंफर्म 20 लारी. मैंने कम से कम, हम दोनों ने इंग्लिश में पूरे प्रॉपरली उसको कन्वर्ट करके भी जॉर्जियन लैंग्वेज में उसको बताया कि हम 20 लारी ही देंगे. उसने बोला परफेक्ट, आप 20 पहुँच के वहाँ पे आप 20 दे देना. तो हमने बोला ठीक है, 20 इज़ गुड, दैट इज़ 600 to 700 रुपीज़ इंडियन में. तो हम लोग बैठ गए, हम लोग गए, काफ़ी खुश थे कि ठीक है 20 उसमें मिल गया हम लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, उसने अपने फ़ोन में मीटर चलाया हुआ था, उसने दिखाया कि 143 लारी हो गए. एंड वी वर लाइक, हमें पता था कि ये ऐसा बोलेगा ही बोलेगा, इतने अच्छा तो नहीं हो सकता. तो हम लोग ने देखा तो उसने बोला 143 लारी आपको देना है एंड दैट इज़ 4 to 5,000 रुपीज़. तो हम लोग एकदम शॉक हो गए, मतलब यार ये क्या बात होती है. तो हम दोनों तो बहुत गुस्सा हो गए, हम लोग सीधे अंदर रिसेप्शन में गए, सामान हमने निकाला अपना, हमने बोला ठीक है हम लोग पुलिस को बुला रहे हैं, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, हम लोग कोई आप टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं एंड आप ऐसा परेशान कर रहे हो. दिशांक तो इतना ज़्यादा भड़क गया था, लेकिन ये क्या बात होती है सीरियसली. मैं थोड़ा शांत थी, मुझे लगा कि ये तो मुझे पता ही था होना ही है, क्योंकि ये स्कैम हम लोग देख के गए थे कि टैक्सी वाले ये करते हैं. हम लोग से ये गलती हो गई कि हम लोग ने एयरपोर्ट पे सिम नहीं लिया, हम लोग को बोल्ट वहीं से कर लेना था. बोल्ट इज़ टू परफेक्ट, अगर आप वहाँ पे कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो आप बोल्ट कर लेना, ईजिली हो जाएगा. और टैक्सी का अगर कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना. तो जैसे ही दिशांक अंदर गया, दो बज गए थे और इतना भी कोई दूर नहीं था एयरपोर्ट, 12-11 किलोमीटर ही था बस. तो जैसे बोला कि आप हमें रिसेप्शन पे कि आप हमें अपना फ़ोन दो, हमें पुलिस को कॉल करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो कैब वाला था वो एकदम से भाग के अंदर आया, उसने बोला कि ओके आई विल गो, आप मुझे 20 लारी दे दो. हम लोग कार से निकल के डायरेक्ट बाहर आ गए थे, जो उनका कैमरे वाला एरिया था रिसेप्शन में, वहीं पर हम लोग ने ये सब बोला कि हमें पुलिस को बुलाना है, आप हमें कॉल करके बोलो ये परेशान कर रहे हैं. तो जैसे उसने देखा, उसने 20 लारी लिए और वो भाग गया. एंड अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो आप डरना मत, आप निकाल के मत दे देना कि ठीक है चल ले जा, बिल्कुल भी नहीं. आप उनको कन्विंस करो या फिर रिसेप्शन पे बात करो, आप उनको पुलिस का भी बोल सकते हो और पुलिस आएंगे तो वो आपका ही हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो गलत था. ठीक है, तो ये सारी बात थी, फर्स्ट हमारा ये एक्सपीरियंस था. तो ऐसा भी नहीं है, सारे स्कैम ये हर जगह होते हैं और यूरोप में तो सबसे ज़्यादा होता ही है. और सारे स्कैम्स हम लोग देख के गए थे, हम लोग परफेक्टली प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए. तो यस, थोड़ा सा हो गया था, फिर हम लोग आके अपना आराम से सो गए, अगले दिन हम भूल भी जाते हैं, हम लोग इतना कुछ सोचते भी नहीं है इस बारे में. आज का मैं प्लान आपको बता देता हूँ, आज हम हैं तबलीसी के अंदर और तबलीसी में हम आपको सारी सारी जगह दिखाएंगे. आज हमारा सारा प्लान है तबलीसी घूमने का, जितना हो सकता है हम तबलीसी को कवर करने की कोशिश करेंगे. सो अभी हम लोग स्पेशली चेकआउट करेंगे यहाँ से 10:30 बजे. चेकआउट टाइमिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ 12:30 तक आप चेकआउट कर सकते हो. बट हम लोग जल्दी चेकआउट कर रहे हैं, सामान सारा हम लोग नीचे रख देंगे. आज का हमारा न्यू दिन यहाँ पे नहीं होगा होटल में, तो चेकआउट करके सामान नीचे रख के हम लोग पूरा टूर करेंगे, है ना, टूर करेंगे तबलीसी को, जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे. फिर रात को हमारी ट्रेन है, वापस यहाँ पे आके अपना लगेज उठा के हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे. नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो आपको जल्द पता लगेगा. सो लेट्स गो. तो हम लोग आ चुके हैं तबलीसी सिटी सेंटर में. हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही था 600 to 500 मीटर्स पे ही था. सो मैं बता देती हूँ कि यहाँ से क्या क्या आप लोग जा सकते हो. फर्स्ट है पीस ऑफ ब्रिज, काफ़ी फेमस है यहाँ पे. एंड नेक्स्ट इज़ नारकला फोर्ट, थोड़ा आगे आके दिखाओ नारकला फोर्ट. यहाँ पे जाने के लिए हमें पीस ऑफ ब्रिज से केबल कार लेनी होगी, आपको केबल कार दिख रही होगी. सो चलते हैं, लेट्स गो. ये वाला चर्च, इसका नाम अभी मैं आपको नीचे लिख दूंगी, अभी वहाँ पे भी जाएंगे, नाम भी बता दूंगी. सो लेट्स गो. Thank you.
हम लोगों ने ले लिया है यूरोज चेंज करवा लिया, एक्सचेंज करा लिया है टू जॉर्जियन लारी एंड हम लोग ने सिम भी ले लिया है। सो एक्सचेंज का बता दो थोड़ा देखो। एक्सचेंज का तो ऐसे कि इंडियन रुपीस से यहाँ पर चेंज होना मुश्किल है काफ़ी, तो हर जगह पे यहाँ पे मनी एक्सचेंज वाले हैं। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि इंडिया से आप यूरो या फिर डॉलर लेके आ सकते हो, तो इजीली आप उसको चेंज करवा सकते हो। इसके अलावा अगर फॉरेक्स फ्री कार्ड है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि ये मेट्रो सिटीज़ हैं तो मेट्रो सिटीज़ में चल जाता है, मतलब आपको आराम से ही चेंज हो जाता है। और रही बात सिम की, तो हम लोग ने एयरपोर्ट से नहीं लिया था, हम लोग ने जस्ट अभी लिया है एंड हम लोग को एक सिम पड़ा है 1000 रुपीज़ जॉर्जियन लारी है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, जब आओगे उसी इंडियन रुपीस में हो रहा है 1000 रुपीज़ में, अराउंड 1000 रुपीज़ में आप इजीली सिम ले लो। 7 डेज का लिया है, आप 5 डेज का भी है, कम ज़्यादा से ज़्यादा भी है, कम से कम भी है, सो आप इजीली यहाँ से भी ले सकते हो टिब्लिसी सिटी सेंटर से। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, आर्मेनियन चर्च हमारे पीछे ही है, सो दिस इज़ द आर्मेनियन चर्च। हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। सो हम लोग चर्च के अंदर से आ गए हैं। फ़ोन मोबाइल ये सब अलाउड नहीं है, मैं बता देती हूँ क्या क्या अलाउड नहीं है। आप लोग जीन्स वीन्स पहन के नहीं आ सकते, आपको स्कर्ट होनी चाहिए फुल लेंथ की, और आप लोग जा रहे हो तो अंदर सर ढका होना चाहिए लड़कियों का, लड़के विदाउट कैप जाएं, और अगर आपने विदाउट स्लीव्स पहने हैं मेरे तरह तो आप लोग ऐसे करके ढक के जा सकते हो अंदर। सो अगर आप लोग नहीं भी पहन के आए हो तो कोई नहीं, यहाँ पे आप लोग को कपड़ा भी मिल जाएगा ढकने के लिए एंड उसका भी प्राइस है। सो यस, काफ़ी अच्छा लगा अंदर जाके, काफ़ी पीसफुल था एंड यस। सो अभी हम लोग घूम के आ गए हैं जो चर्च था, और अभी उसी के जस्ट सामने है ये वाला यूरोप स्क्वायर बोलते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा गार्डन सा है, आप लोग वॉक अराउंड कर सकते हो, और यहाँ पे पीस ऑफ ब्रिज भी है, ब्रिज ऑफ पीस भी है। सो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, काफ़ी सुंदर गार्डन है आप देख सकते हो। चलते हैं, अभी मैं आपको ब्रिज ऑफ पीस दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं नारिकला रोपवे में, अभी 5 बज रहे हैं एंड टिकट्स मैं आपको बताती हूँ कितनी है। यहाँ पे गाइस सिर्फ कैश चलता है एंड नो कार्ड यहाँ पे, ये 10 बजे तक खुला रहेगा। अभी 2 मिनट में मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पे आपको ऊपर जाना और नीचे आने का $2 लगता है पर पर्सन, तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हो। और अगर आपके पास कार्ड है जो मतलब चल जाता है बाहर, तो वो भी चल जाएगा, डायरेक्टली लगा देते हैं जैसे मेट्रो में लगता है। हम लोग ऊपर आ गए, एक मिनट भी नहीं लगा हमें ऊपर आने में, 30 seconds, और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है नीचे का, सो ब्यूटीफुल। कल हम लोग वीडियो देख रहे थे हैं? और आज ऊपर आ गए। थैंक यू। अभी हम लोग नारीकला फोर्ट आए थे और ये अभी क्लोज्ड है टेम्परली क्योंकि यहाँ पे शायद कोई काम चल रहा है, एंड नीचे किसी ने बताया नहीं कि बंद है। कोई बात नहीं, यहाँ से आपको बोटानिकल गार्डन दिख जाएगा, काफ़ी सुंदर बोटानिकल गार्डन है। चलो बोल आ रही है ना, दिख रहा है कुछ? चलो देखो देखो, 2 मिनट ही है हमारे पास, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी देखो, 1 मिनट तुम्हारा 1 मिनट मेरा, मुझे बताना भी क्या देख रहा। तो अभी हम लोग हैं मदर ऑफ जॉर्जिया में, पीछे आप देख सकते हो मदर ऑफ जॉर्जिया बोलते हैं इसको, स्टैच्यू को, ये काफ़ी फेमस है तबिलिसी में। एंड आप नोटिस करोगे इसके एक हाथ में प्याला है ऐसे पकड़ा हुआ है और एक हाथ में तलवार है, तो ये कहा जाता है कि अगर किसी कोई आके यहाँ पे लड़ाई करता है तो उसके लिए हमारे पास तलवार है, और अगर कोई आके फ्रेंडशिप करता है, अच्छे से बातें करता है, तो हमारे लिए, हमारे पास उनके लिए वाइन है। सो यस, इसको वाइन की कंट्री भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर सीधी रोड जा रही है, ठीक है, और ये बीच में लाइन लगी हुई है, देखो तो। हाँ, और ये घुमा घुमा के लेके आ रहा है, चौक बना भी नहीं है, सिर्फ लाइन खींची हुई है। अगर लाइन खींची है इंडिया में होता ना तो ये मानते भी नहीं, भैया पूरा बनाना पड़ेगा। वो छोड़ो, चौक में थोड़ी सी ऊपर होता तो उसके ऊपर भी उठा के ले जाता।
छूना नहीं, एक हाथ ना ले देबू, हाथ देने एक बारी। मैं नाच के दिखाऊंगी। उसी दिन एक इंसिडेंट हमारे साथ और हुआ है, वो है कि हम लोग नॉर्मली बहुत ही कैजुअली चल रहे थे, मैं और दिशांक वापस होटल के लिए। अच्छा खासा दिन हो रखा था, 6:30 बजे थे शाम के, एंड सब लोग थे, भीड़ वाला जगह था प्रॉपरली, बट वहाँ पे पुलिस नहीं थी। पुलिस थी 100 मीटर पे थी, हम लोग देख के आए थे अपने चलते हुए आगे आगे। हमने देखा 4-5 लड़कियाँ अपना हंसते हुए बात करते हुए आ रही हैं, तो हमने ठीक है, हम लोग अपना बात कर रहे थे बहुत कैजुअली एकदम ऐसे। तो वो आके एकदम से दिशांक पे चढ़ गई, लाइक 4 लोग थे, एक ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा, एक ने पैर, एक ने दूसरा पैर, और वो ना सर्च करने लगी, मतलब ऐसे ढूंढने लगी कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। हंस भी रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो एकदम ऐसे ब्लैकआउट हो गया, मुझे हुआ क्या ये। लेकिन मैंने एकदम से सेकेंड्स नहीं लगाए, मैंने अपना कैमरा खोला, और जैसे मैंने कैमरा खोला वो हट गए। उन लोगों को पता था कि ये रिकॉर्ड कर रही है, मैंने बोला कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ की वो हट गए। अच्छा, ये वाला स्कैम भी हम लोग देख के आए थे, एक अलग से ही वीडियो है, उसमें सब कुछ स्कैम बताए हैं कि ये सब आपके साथ हो सकता है, थोड़ा सा कॉशियस रहना, प्रिपेयर रहना। मुझे ये वाला भी स्कैम पता था, बट मैं ऐसे हो गई कि ये हमारे साथ ही हो गया, आई वॉज लाइक दिस। तो वहाँ पे जॉर्जन लोग भी सब घूम रहे थे, सब लोग देख रहे थे, एकदम से आके मतलब वो टटोलने लगे कि किसी पॉकेट में कुछ पैसे मिल जाए। दिशांग ने वो डफल बैग आगे जो होता है वो पैर टांग रखा था, सबकी चेन उन्होंने खोल दी थी। दिशांग ने एक चीज़ किया कि उसने अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाल लिए थे, जो वॉलेट था उसको पकड़ के रखा हुआ था, और कि उसमें से कुछ निकाले ना। और आगे हमारा दिशांग के पास पासपोर्ट था। वो लोग कुछ नहीं करते, वो लोग सिर्फ पैसे निकाल के लेके जाते हैं, वॉलेट भी अगर वॉलेट के अंदर है तो वो फेंक के चले जाएंगे वॉलेट, लेकिन पैसे निकाल के लारी, जॉर्जन लारी लेके चले जाते हैं। ये मैंने स्कैम देखा था और एक लड़की के साथ भी हुआ था, उसने अपना एक्सपीरियंस डाला था। हम लोग प्रिपेयर थे, मैंने एकदम से जैसे हुआ, मैंने पहले तो एकदम मैं शॉक हो गई, अब 4 लड़कियाँ आएँ, दिशांक तो कोई वो साउथ इंडियन मूवी का हीरो तो है नहीं जो ऐसे करके सबको हटा देगा, राइट? ओके, तो मैंने 2 लड़कियों को पकड़ के खींचने की कोशिश की, बट नहीं हो पाता यार। तो एकदम से मैंने फिर सेकंड से लगाया, मैंने कैमरा खोला और मैंने पुलिस बहुत तेज से चिल्लाया, वो एकदम से हट गए। और जैसे ही हटे मैंने वीडियो उनके रिकॉर्ड की है, आप उन 4 लड़कियों का फेस देखना, एकदम नॉर्मल, एकदम ठीक ठाक चल रही थी वो लोग। और मे बी वो लोग हाई थी, क्योंकि वहाँ पे मैरिजुआना जो है लीगल है, तो वहाँ पे कई लोग आपको पीते हुए स्मोक करते हुए दिख जाएंगे पब्लिकली। तो मैं इस वीडियो के बाद आपको 4 लड़कियां दिखा दूंगी। उसके बाद आके हम लोग वी वर लाइक शिट, हमारे साथ हो गया। और मैंने सब कुछ चेक किया, लकीली सारे पैसे मेरे पास ही थे, दिशांक को मैंने नहीं दिए थे, क्योंकि हम लोग को पता था कि ये लड़कों के साथ ही करते हैं। कई एक वीडियो में था कि एक हस्बैंड के साथ कोई प्रेग्नेंट लेडी हो गई, टीनेजर्स हो गए, क्या होता है ना, उन लोग को पुलिस कुछ बोलती नहीं है, राइट? तो इसलिए वो लोग ये सब करते हैं। तो ठीक है, और हम लोग ना इतना दिल पे नहीं लेते ये सारी चीज़ें, क्योंकि यार स्कैम है वो हर जगह होता है, इंडिया में कम होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ही होता है। और यूरोप का तो हम लोग प्रिपेयर होके गए थे, स्कैम स्पेशली हम लोग 6-7 वीडियोस देख के गए थे कि ये सब हो सकता है हमारे साथ। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रहना, और सिर्फ इन 4-5 लोगों की वजह से पूरा हम ट्रिप ही ख़राब कर दें ऐसा नहीं होता। तो हम लोग एकदम नॉर्मल हो गए थे उसके बाद, मैंने कहा ठीक है, कुछ हमारा हटा नहीं, अगर कुछ होता तो हम लोग फिर पुलिस के पास जाते, क्योंकि मेरे पास फेसेस थे उन 4 लड़कियों के। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे जो कि मेरे पास थे, मैंने रखे हुए थे अपने पास। सो यस, लकीली इस स्कैम से भी बच गए हम, 2 स्कैम से। तो यस, अगर आप लोग जा रहे हो, जॉर्जिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, आप लोग ज़रूर विजिट करना। यूरोप भी सब लोग जाते हैं, तो ये स्कैम होता ही है, इट्स नॉट अ बिग डील, बस थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। देख लेना चारों को, वी आर लीविंग तबलिसी फॉर नाउ एंड दिस इज़ आवर होटल। ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग ने अभी बोल्ट जो कैब है यहाँ पे ऊबर की जगह चलती है, सो वो की है, अभी वहीं पे चलते हैं हम लोग। दिशांग चला गया, तो देयर इज़ आवर कैब।
यहाँ पे ना हर जगह यानी कॉफ़ी की मशीन लगी हुई है, आप अपना कार्ड स्वाइप करो और अपना इजीली आप कॉफ़ी बना सकते हो। सो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन में हैं, टिकट्स हमारी हो गई हैं एंड हमारी ट्रेन है 12:30 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।